हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की टिगोर, और ये टाटा टिगोर का सेकंड बेस मॉडल है, जिसको एक्सम बोलते हैं, एक्सम वाला वेरिएंट है। और इस वाले वेरिएंट में मतलब ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं मिलते, नॉर्मली अपने को एक अच्छा वाला वेरियंट मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। इस वाले वेरियंट में देखें तो ये अपना ग्रे कलर है, इसमें अपने को 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें रेड, ब्लू, वाइट और ये ग्रे, 4 कलर ही मिलते हैं। और इस वाले वेरिएंट में जैसे इसकी लेंथ वगैरह कार लेंथ हो जाती है, कार लेंथ अपनी 3993 mm मिल जाती है। और जो इसकी चौड़ाई है सामने की तरफ से, वो चौड़ाई अपने को 1677 mm की मिलती है। ये जो अपनी चौड़ाई है ये 1677 mm मिलती है, और साथ ही इस कार की हाइट अपने को 1532 mm मिल जाती है। जो अपनी ये हाइट है ये 1532 mm मिल जाती है। साथ ही इस कार में जो अपनी ग्राउंड क्लियरेंस है, वो ग्राउंड क्लियरेंस अपने को 170 mm की मिल जाती है। जो ये वाली ग्राउंड क्लियरेंस है ये अपने को 170 mm मिल जाती है। और दोनों टायर के बीच की दूरी, अपने को जो व्हील बेस मिल जाता है दोनों के बीच का, जो 2450 mm मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो वजन मिलता है अपने को, जो वेट मिलता है कर्ब वेट, वो अपने को 1030 kg मिलता है। इस कार की अपनी फ्रंट हो जाती है, फ्रंट पे अपने को जैसे सबसे पहले तो अपने को एक टाटा का लोगो मिलता है, उस टाटा के लोगो और ये साथ ही इसमें टाटा की डिजाइन ही मिलती है। उसके नीचे अपने को एक सिल्वर लाइन मिल जाती है, जो यहाँ से लेके मतलब स्टार्ट से एंड तक मिल जाती है। उसके नीचे अपने को लाइसेंस प्लेट मिल जाती है, उसके नीचे अपने को लोअर ग्रिल मिल जाती है जो ब्लैक कलर में मिलती है। इस साइड अपने को एक हेडलैम्प मिल जाता है, जो अपना हेडलैम्प हाई बीम और लो बीम में अपने को मिलता है। और ये हेलोजन बल्ब मिलता है, ये अपना इंडिकेटर हो जाता है। उसके नीचे अपना ये फोग लैंप है, जो अपन बाद में एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं। और ये अपना वाइपर और वगैरह हो जाता है। इस साइड अपन देखें तो इस साइड अपने को जैसे साइड अपनी देखे तो साइड में अपने को नॉर्मल पावर बीम मिलते हैं सबसे पहली बार। और जो अपना साइड इंडिकेटर है, वो साइड इंडिकेटर अपने को यहाँ मिलता है। उसके नीचे अपन इस साइड देखे तो जैसे इसमें व्हील मिलता है, नॉर्मल व्हील मिलता है, नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर के साथ। इस वाले टायर में अपने को R14 की रिम मिल जाती है, और 170x65 R14 अपने को टायर मिलता है। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और साथ ही इसमें जैसे अपनी यहाँ पे एक सारी बॉडी कलर ही मिलता है, यहाँ अपने को कोई साइड ग्लेडिंग या कुछ भी नहीं मिलता है। ये ORVM अपने को ब्लैक कलर में मिलता है, और साथ में इसमें जो हैंडल वगैरह हो जाते हैं साइड हैंडल, ये भी अपने को ब्लैक कलर ही मिलते हैं नॉर्मल, ये अपने को बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं। और ये वाला ए पिलर और बी पिलर अपने को बॉडी कलर मिलता है, साथ में ये इसकी रूफ हो जाती है और ये माइक्रो रूफ एंटीना हो जाता है। इस साइड ये पीछे वाला अपना फ्यूल टैंक हो जाता है, और ये पीछे वाला व्हील हो जाता है, जो अपने को ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें नॉर्मल ही मिलते हैं, कोई खास नहीं है, क्योंकि ये सेकंड बेस मॉडल है, एक्सएम है, तो इसमें अपने को सब कुछ नॉर्मल मिलेगा। ये अपना पीछे की तरफ पूरा हाई स्टॉप माउंट लाइट है, जो अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाती है। एक रूफ एंटीना मिल जाता है, और ये CNG वाला वेरिएंट है, तो अपने को ये CNG की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, ना डिफोगर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। उसके नीचे अपन देखें तो ये अपना टाटा का लोगो मिल जाता है, या टिगोर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये अपना पीछे वाली लाइट हो जाती है, जो अपने हेलोजन ही मिलती है। इसमें मतलब कोई अपने को LED सेटअप नहीं मिलता है, ये इंडिकेटर का काम करेगा यही। और इस साइड देखें तो ये अपनी एक मिल जाता है, यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट होती है, बट इस वाले में कैमरा नहीं मिलता है। और ये इसकी लाइसेंस प्लेट हो जाती है, ये अपना रिफ्लेक्टर वगैरह हो जाता है। ये इसमें 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, ये कॉमन है, सारी गाड़ियों में मिलेगा। उसके नीचे अपने को ब्लैक कलर की ये मिलती है डिजाइन, जिसमें अपने को एक सिल्वर कलर का इंसर्ट मिल जाता है पूरा। और इसका जैसे अपने को बूट ओपन करने के लिए नॉर्मली की से ही बूट ओपन करना पड़ेगा, ये इसकी की है, नॉर्मल की मिलती है अपने को। और ये जैसे इसका बूट अपने को नॉर्मली ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा, ये ओपन करेंगे तो इसमें अपने को कुछ खास नहीं मिलता है। यहाँ अपने को कोई कवर वगैरह नहीं मिलता है, बूट कवर ये सारा ओपन ही रहता है। और इस साइड देखे अपने को एक CNG जो 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ आती है, ये अपना CNG मिल जाता है। उसके बाद बूट जैसे अपन नॉर्मली देख सकते हैं, अगर CNG की किट लगी हुई है उसके बाद अपने को बूट स्पेस कोई खास नहीं मिलता है। नॉर्मल अपन अपना एक बैग रख सकते हैं, जिसको भी टेढ़ा रखना पड़ेगा, सीधा नहीं रख सकते। और इसके नीचे देखे अपन तो ये अपना टायर मिल जाता है, स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये अपने को R14 की रिम के साथ ही आता है। और ये किट लगने के बाद, और ये इधर भी अपने को कुछ खास नहीं मिलता है, और किट अपना
वैसे काफ़ी अच्छा है सीएनजी के साथ। और चलिए बूट बंद करके अपन पैसेंजर साइड चलते हैं, पीछे की साइड देखते हैं। ये इसकी पीछे की डोर है, पैसेंजर साइड डोर है पीछे वाली। ये अपने को सिंपल ही मिलता है, इसमें कुछ खास नहीं मिलता है। इसमें अपने को यहाँ स्पीकर ट्विटर मिल जाता है, यहाँ अपने को ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं जो ऑन ऑन करने के लिए, ये लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये नॉर्मल ब्लैक कलर ही मिलता है। उसके नीचे अपने को यहाँ भी प्लास्टिक ही मिलता है, कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। यहाँ अपना हैंडल वगैरह हो जाता है और पावर विंडो मिल जाती है अपने को ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ। ये इसकी सीट्स वगैरह मिल जाती है, सीट्स में अपने को फैब्रिक सीट ही मिलती है नॉर्मल सिंपल सी। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। ये अपनी नॉर्मल सीट हो जाती है। एंड ये एक बार फ्रंट का लुक देख लीजिए। ये टाटा टिगोर XM है जिसका CNG वेरिएंट है। ये नॉर्मल अपने को फैब्रिक सीट मिल जाती है, यहाँ अपने को एक हैंडल मिल जाता है। इसमें कोई सॉफ्ट टच नहीं है, जैसे मतलब इतनी स्पीड में जा रहा है ऐसे। इस साइड देखिए तो वही अपना, यहाँ अपने को बोतल होल्डर मिल जाता है, बोतल के लिए स्पेस मिल जाता है। 1 लीटर की बोतल ही मिल सकता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं रख सकते इसमें। इस साइड देखिए तो भी वही सेम है, ये अपना हैंडल हो जाता है जो नॉर्मल मिलता है। एंड ये साइड से, और ये जो फैब्रिक सीट है वैसे तो मतलब ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक है, काफ़ी अच्छी है। साथ ही इस साइड देखे तो ये अपना हेडरेस्ट मिल जाता है जो अपने को एडजस्टेबल नहीं मिलता है, फिक्स से मिलता है। बट इसमें 3 का ऑप्शन दे रखा है, जैसे सेंटर में भी एक हेडरेस्ट बना रखा है छोटा सा ना। इसमें कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, अपने को सिंपल ही मिलता है। और यहाँ अपने को एक छोटा हम्प मिल जाता है, यहाँ अपने को एक बोतल होल्डर मिल जाता है। और ये फ्रंट की डैशबोर्ड की लुक। चलिए अब चलते हैं इसकी फ्रंट साइड में। की बता देता हूँ, ये सिंपल सी की है जिसे अपने को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। और साथ ही ये इसको ऐसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, अभी तो खुला हुआ है तो अपन बैठ सकते हैं आराम से। ये फ्रंट ड्राइवर की लुक है। फ्रंट ड्राइवर में अपने को ORVM के एडजस्टमेंट यही मिलते हैं नॉर्मल, जो पुराने वाले मिलते थे पहले, सिंपल सा। ये अपनी डोर की हो गई, हैंडल अपना नॉर्मल मिल जाता है ब्लैक कलर का। उसके नीचे अपने को पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, ये ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है, ये अपना सेफ्टी मिल जाता है, बाकी ये हैंडल मिल जाता है। यहाँ अपने को आर्मरेस्ट, ये मतलब इतना प्लास्टिक है सॉफ्ट टच के साथ नहीं मिलता है। ये बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ अपने को 1/2 लीटर की बोतल होल्डर मिलती है। ये अपना स्पीकर का प्लेसमेंट हो जाता है। इस साइड देखिए तो अपने को सीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, नॉर्मल सीट ही मिलती है। इस साइड अपने को फ्यूल और वो खोलने का मिल जाता है। अब ये इसका ड्राइवर का लुक, चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। इसमें अंदर आ गए हैं और ये अपनी नॉर्मल सिंपल की मिलती है। और ये स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील पे अपने को कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, नॉर्मल अपना हॉर्न ही मिलता है। और साथ में इस साइड अपना वाइपर का कंट्रोल हो जाता है, इस साइड अपना लाइट का कंट्रोल हो जाता है। और इस साइड देखिए तो ये इसका है, ये अपना ये कंट्रोल मिल जाए, ये इसका वेलकम फंक्शन है, वेलकम फंक्शन मिल जाता है। इस साइड अपने को ये सेमी डिजिटल है, कोई मतलब इतना वो खास नहीं है। ये इधर अपने को RPM वाला मीटर मिल जाता है, ये इतना, ये अपना इधर अपने को ट्रिप मीटर इसमें मिलता है। यहाँ अपने को रेंज वगैरह बताएगा कितना किलोमीटर चल रहा है। जो इस साइड अपने का फ्यूल कंजप्शन वाला मिल जाता है, फ्यूल मीटर मिल जाता है। इस वाले में इतना कोई खास नहीं है, नॉर्मल मतलब एक सिंपल ही बताता है, जैसे देख सकते हो। देखो इसमें ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ट्रिप है ट्रिप भी मिल जाती है, ये मिलता है। इस साइड देखिए अपन, ये इसका डैशबोर्ड है कि सिंगल टोन में बनाया गया है, कोई मतलब इतना स्पेशल नहीं है इस वाले में, पर मतलब डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी बनाई गई है। जैसे इस साइड अपना AC वेंट दे दिया है, यहाँ अपना 2 AC वेंट मिल जाता है, ये हेजर्ड लाइट मिल जाता है, ये अपना इंफोटेनमेंट मिल जाता है सिंपल, जिसमें एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है। और यही अपना कंट्रोल मिल जाता है इसके, ये वॉइस के कंट्रोल हो जाते हैं, ये सिंपल ब्लूटूथ से कंट्रोल होने वाला है। ये अपन होम चले जाते हैं, इसमें सेटअप मिल जाता है, ये कोई टच रिस्पॉन्स वाला नहीं मिलता है, अपने को यहीं से कंट्रोल करना पड़ता है। जिसमें फ़ोन के कंट्रोल मिल जाता है, सेटअप मिल जाता है, ब्लूटूथ वाला मिल जाता है, डिस्प्ले वाले मिल जाते हैं। यहाँ अपना CNG का ऑप्शन मिल जाता है, CNG प्लस पेट्रोल। तो CNG पे चलाना हो तो CNG यहाँ से चला सकते हैं, पेट्रोल नहीं चलाना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं।
उसके नीचे अपन देखे तो ये अपना नॉर्मल एसी मिल जाता है, जो अपना मैनुअल एसी मिलता है, इसमें कोई अपने को ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उसके नीचे अपन देखे तो ये अपना यूएसबी का चार्जर, यहाँ अपने का 12 वोल्ट का पावर चार्जर मिल जाता है, यहाँ एक मोबाइल रखने की स्पेस मिल जाती है। ये अपना गियर देखे तो नॉर्मल गियर मिलता है, नॉर्मल गियर नो मिलता है। यहाँ दो अपने को बोतल वोटल मिल जाते हैं, छोटी वाली बोतल रख सकते हैं। यहाँ अपना एक स्पेस मिल जाता है छोटा कॉइन वगैरह रखने के लिए, ये अपना हैंड ब्रेक हो जाता है। इस साइड देखे तो ये अपना फैब्रिक सीट मिलती है, ये आगे अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है एंड फैब्रिक सीट मिलती है, जिसमें अपने को टाटा की डिज़ाइन मिल जाती है। बाकी फैब्रिक सीट भी मतलब अच्छी है, कोई उतनी वैसे नहीं है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है। इस साइड अपन ऊपर देखे तो ये अपने को एक मिल जाता है सन वाइज़र, इसमें कोई अपने को ग्लास वगैरह नहीं मिलता है, मिरर वगैरह नहीं मिलता है। एंड वापस इस साइड देखिए तो इस साइड भी अपने को सिंपल टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ अपना माइक की प्लेसमेंट हो जाती है, यहाँ एक अपने को लाइट मिल जाती है जो हेलोजन के साथ आती है। ये था इसका। और इस साइड अपन देखे तो इस साइड अपने को एक स्पेस मिल जाती है, यहाँ अपने को एक एसी वेंट मिल जाती है, बाकी ये अपना विंडो का कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। क्या आगे अपन नीचे अपने को एक क्लच, ये अपना क्लच वगैरह मिल जाता है, यहाँ अपने को साइड में डेट पेडल का भी ऑप्शन मिलता है। और सीट में अपने को जैसे एडजस्टमेंट मैंने बताया था, सीट में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मिलता है आगे पीछे का, और अपने को बैक का सपोर्ट मिल जाता है। अब इसके चलते हैं अपन इंजन की ऊपर। ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, सीएनजी वाले वेरिएंट में अपने को ये वाला पेट्रोल इंजन मिलता है, इनमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें पेट्रोल वाला अपने को एवरेज मिलता है 19 किलोमीटर का, सीएनजी से अपने को 26 किलोमीटर के आसपास। ये था इसका वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा।